बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हाफ बाइट। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट डिश की रेसिपी, जो कि है राजमा चावल। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो की अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए हम देखते हैं राजमा चावल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम एक कप दाल ले लेंगे लाल लोबिया की, और इसे सिर्फ पानी में डाल के बॉईल करके रख लेंगे। बारीक कटी हुई प्याज हम ले लेंगे एक कप के करीब। 3 से 4 अदर टमाटर ले लेंगे, उनका पेस्ट बना के रख लेंगे। ऑयल हमें चाहिए हाफ कप, हल्दी हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। जिस पानी में हमने लाल लोबिया को बॉईल किया था वो पानी हम ले लेंगे 1.5 से 2 कप। बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमें चाहिए एक कप के करीब। हरी मिर्ची हमें चाहिए बारीक कटी हुई 3 से 4 अदर। हुश्क धनिया पाउडर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए 1 टीस्पून। नमक हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, या हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। और चॉप किया हुआ लहसुन हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। तो ये थी सारी चीज़ें जो हमें लाल लोबिया बनाने के लिए चाहिए हैं। तो आए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप ऑयल। जब ऑयल थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो जाए हम उसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा, और इसे तब तक मूल लेंगे जब तक कि हल्का ब्राउन होना स्टार्ट ना हो जाए। ज़ीरे को आपने बिल्कुल जलाना नहीं है। यहाँ ज़ीरे को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अब हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्की ब्राउन होना स्टार्ट ना हो जाए। यहाँ प्याज को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। अगर आप चाहें तो आप साथ में अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन्हें मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे जब तक इनका कलर चेंज होना स्टार्ट ना हो जाए। यहाँ 2 से 3 मिनट प्याज को भूनने के बाद उनका हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। पानी इसलिए ऐड किया जाता है ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम ऐड कर देंगे नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे हुश्क धनिया पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को भून लेंगे। यहाँ प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले को तब तक 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक कि मसाला ऑयल छोड़ना स्टार्ट ना हो जाए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद मसाले ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें बॉयल की हुई दाल शामिल कर देंगे और उसे अच्छे से मसाले में मिक्स करने के बाद मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। राजमा दाल के बेशुमार नाम हैं। बाज़ इलाकों में इसे पोठी की दाल भी कहा जाता है। बाज़ लोग इसे लाल लोबिया और किडनी बीन्स भी कहते हैं, और ये कश्मीरियों की और पंजाबियों की मोस्ट फेवरेट दाल है। यहाँ आप देख सकते हैं दाल को हमने अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वो पानी जिसमें हमने दाल को बॉयल किया था। दाल को बॉयल करने के बाद दाल वाले पानी को बिल्कुल वेस्ट ना किया करें, क्योंकि सारा असर तो दाल को उस पानी में आ जाता है, और बाद में ग्रेवी बनाने के लिए आप इसी पानी को इस्तेमाल करें, जो दाल बहुत मज़े की बनती है। पानी ऐड करने के बाद हम दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। दाल को कवर किए हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उतार लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आप उतना ऐड करें जितनी आपको दाल की ग्रेवी चाहिए। मुझे दाल की ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पानी कम ऐड किया। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इन्हें अच्छे से दाल में मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे आप दाल को बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं, जब तक आपको आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की ग्रेवी ना मिल जाए। अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी राजमा की दाल। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। राजमा की दाल को आप गरम गरम रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसे उबले हुए चावलों के साथ सर्व किया जाता है। अब आहार में हम इसको गार्निश कर लेंगे हरे धनिए से और हरी मिर्चों से।
तो तैयार हो चुकी है बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान राजमा दाल चावल की रेसिपी। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे न्यू आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।